हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एजुकेशनल गोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संतोष भैसानिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का थर्ड फेज अभी देश में चल रहा है, तो आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में हम कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, इसके लिए जो ऑनलाइन स्टडी सोर्सेस है वो सबसे अच्छा मीडियम है। तो ऐसे पीरियड में जो ऑनलाइन स्टडी के जो सोर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे जो एमपी बोर्ड के जो हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो अभी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उन्हीं से आज मैं बात करने आया हूं और मैं ये बताने आया हूं कि हमारा जो चैनल है उन पर उन्हें क्या क्या कंटेंट मिल सकता है। तो हमारा चैनल बेसिकली इंग्लिश का चैनल है और एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका संपूर्ण सिलेबस हमने हमारे चैनल पर अपलोड बहुत पहले ही कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ। जो हमारे जो नए व्यूअर हैं उन्हीं के लिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आपकी जो टेक्स्ट बुक और आपकी जो वर्कबुक इंग्लिश की है, जनरल इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक वर्कबुक है, उनके जो सभी लेसन्स हैं उन सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर और उनकी समरी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आपकी इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका टेक्स्ट बुक का जो सेक्शन है, यानी कि जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, तो इन तीनों सेक्शन के संपूर्ण जो जो टोटल जो कंटेंट हम डाल चुके हैं, अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो वो रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो अनसीन पैसेज के हम 11 पार्ट बना चुके हैं, 10 पार्ट तो हमने एग्जाम के पहले बना दिए थे और इस साल जो एग्जाम हुई, जो जनरल इंग्लिश 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर हुआ, उसमें जो अनसीन पैसेज आया उसको भी हमने अपलोड कर दिया है उसका सॉल्यूशन। उसके बाद नोट मेकिंग के हम 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं, कैसे नोट मेकिंग बनाते हैं आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। रही बात सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में नोटिस आता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, आर्टिकल आते हैं और ऐसे आता है। तो हमने नोटिस की सीरीज भी चलाई है, 5 से 6 नोटिस चैनल पर मौजूद हैं। रिपोर्ट हम 7 से 8 रिपोर्ट हम बना चुके हैं, आर्टिकल भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो। उसके बाद ऐसे ऐसे भी हमने 4 ऐसे अब तक चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरह से हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो टोटल जितना भी कंटेंट होता है आपका इंग्लिश का, वो हम बना चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के पोर्शन की। तो आप जानते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक में 18 लेसन है, तो टोटल जितने भी आपको 18 लेसन है सभी की समरी और उनके क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में जाना और आपको सारे के सारे लेसन वहां पर मिल जाएंगे। वर्कबुक की बात अगर हम करें तो वर्कबुक में भी 18 लेसन ही है और सभी लेसन्स को हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो लेसन छोटे होते हैं, वो जो पैसेज होता है बहुत छोटा होता है, तो हमने पूरा पैसेज ही समझा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उनको समझाया है। तो दोनों सीरीज पूरी है, चाहे टेक्स्ट बुक की बात हो चाहे वर्कबुक की बात हो, और उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो एग्जाम में आते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आप चिंता ना करें, जो हमने डाले उसके बाहर कभी जाते नहीं है, ये हमारा इतने साल का अनुभव रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप घर पर रहकर भी अपने पास, आपके पास जो भी एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर जाकर के आप हमारे चैनल को सर्च करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब उसके बाद भी हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे लेटर्स की बात का हम करें, सेक्शन बी की लेटर्स में आपको बताना भूल गया था उस समय। तो लेटर्स में हमने फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दोनों प्रकार के लेटर हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, और अगर फिर भी कोई सा लेटर अगर बच गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी दें कि सर आप इस लेटर को और डालिए। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, अब तो वही पोर्शन बचा है जो मिसलेनियस है, बाकी लगभग हम सारी चीजें पहले अपलोड कर चुके हैं। हाँ, हम कुछ नए लेसन्स के वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय हमने जो हमारे पास सुविधा थी उस हिसाब से हमने वीडियो बना लिए थे, शुरू के जो 5th या 6th लेसन तक,
लेकिन फिर हमें लगा कि थोड़ा इसमें कंटेंट कम है, तो हम डबल से उनके वीडियो बना रहे हैं। जैसे हमने लेसन सेकंड ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई उसका बनाया है, उसके बाद ए फादर्स लेटर बाय विलियम हेजलिट उसको भी हमने डबल से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमें जो लगता है कि हमारा ये कंटेंट पहले हल्का था, इसको हमें और अच्छा करना चाहिए, तो हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको किस बात का वीडियो आप चाहिए, कौन से लेसन का वीडियो आप डबल से देखना चाहते हैं, या फिर आपकी और कोई सी परेशानी हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हम एडवर्टीजमेंट की सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, पोस्टर भी हम जल्दी बनाने वाले हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 95% सिलेबस आपका हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिर हमने ये किया कि चलो हमारा चैनल में कुछ कॉमन दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए, तो हमने हिंदी के जो निबंध लेखन है उनकी सीरीज भी चलाई है। तो उसमें भी आप जो हिंदी के निबंध आप तैयार करते हैं आपको मिल जाएगी, और भी जो दूसरे स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये लेटर भी काम आ जाएंगे, ये ऐसे भी काम आ जाएंगे, नोटिस सभी के सिलेबस में होते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा चैनल सभी इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहे। और आप सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपकी जो भी परेशानी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।